तो हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, वेलकम बैक टू एसपी लाइव। तो भाई वो अभी अभी निकलने का तो कहीं नहीं सोचे हैं क्योंकि बाहर में बहुत ज़्यादा धूप आ गया है। अब बहुत ज़्यादा धूप में भाई क्या ही निकलेंगे, वैसे ही पूरा टैन हो गया है, देख रहे हो कलर ही चेंज है पूरा। तो बस जो भी देख रहे हो पहले तो सब्सक्राइब कर दो भाई, सपोर्ट करते रहो एसपी लाइव को, चलो एंजॉय करो पूरा वीडियो। तो भाई आज बहुत धूप है और कहीं जाना है नहीं, तो आज सोच रहे लाइफ स्टाइल ब्लॉग नहीं बनाएं क्योंकि घर ही पर रहना, तो और बनाए कॉलेज के ऊपर, क्योंकि मैंने पुराना जो वीडियो बनाया था अपना कॉलेज के मतलब कैंपस जो दिखाया था पूरा जाके, तो उस पर मेरा अराउंड 2K व्यूज़ चला गया है, ठीक ही ठाक व्यूज़ गया है। और बहुत लोगों का क्वेरी आया है कि कॉलेज के ऊपर मतलब पूछना प्लेसमेंट ये सब कुछ भी, तो इस वीडियो में हम आपको पूरा सब कुछ बताने वाले, मेरा कॉलेज लाइफ बताने वाले, मैं उसी से पास आउट हूँ, क्या है क्या नहीं है बस। तो देखो पूरा एंड तक, आज लाइफस्टाइल मेरा नहीं आएगा, लाइफस्टाइल वैसे बनाते हैं लेकिन ये कॉलेज के ऊपर है। जिस लोगों को भी क्वेरी है, जिन लोगों को भी कॉलेज लेना है, MET क्यों लेना है, उसे सब पूरे बताएंगे, तो बस देखते रहो पूरा वीडियो। तो चलो भाई सबसे पहले आते हैं MET के मेरिट्स पे। तो मेरिट्स भाई ये है कि कैंपस मिल गया है भाई, सबसे बढ़िया बात तो कैंपस आ गया है। MET यूनिवर्सिटी झारखंड रांची का कैंपस अब नया बन चुका है, ये सबसे बढ़िया मेरिट पॉइंट है अभी के लिए तो। और क्योंकि हम लोग तो भाई बिना कैंपस के पढ़े हैं, लेकिन फिर भी सब चीज़ का कुछ ना कुछ मेरिट है, सब चीज़ का कुछ ना कुछ डिमेरिट है। तो नहीं भी कैंपस था फिर भी हम लोगों ने बहुत मस्ती किया 3 साल, लेकिन पढ़ाई भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मस्ती तो है ही लेकिन पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि MET में सुबह से आप लोग को शाम तक रखेगा, पढ़ाएगा, पढ़ाता ही है भाई, 9-10 सब्जेक्ट रहता है हर ये कोर्स में, हर कोर्स में ही रहेगा 9-10 सब्जेक्ट, ये कॉमन, उसमें एक्स्ट्रास में भी 3 रहता है भाई, फ्रेंच लैंग्वेज ये सब भी रहता है। तो भाई पढ़ाई तो करवाएगा दम के, और अटेंडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, अटेंडेंस आप बंक नहीं कर सकते। और जो जा रहे हो अभी, जैसे मेरे पास बहुत क्वेरीज आ रहा है कि अभी एडमिशन ले ले या बाद में भी ले सकते हैं, तो अभी बता दूँ तो एडमिशन तो वैसे मिल जाएगा ही, इंटरव्यू से बहुत ईजी होता है, क्लियर हो जाएगा आराम से। एडमिशन अभी अगर लोगे तो सीट मतलब बुक हो जाएगा, स्लॉट एक होता है ना कि स्लॉट, अगर क्लास में इतना सीट है तो सीट बुक हो जाएगा, लेकिन एडमिशन वैसे अगस्त तक भी हो जाता है, आराम से हो जाता है, अगस्त तक भी भरोगे तो कोई ऐसा ये नहीं है। एडमिशन अभी से भी चालू है, अगस्त तक भी चलेगा, सितंबर तक भी ले ही लेता है बच्चे लोग को, रिक्रूट कर लेता है। तो बस ये था भाई एडमिशन का, पहले एग्ज़ाम भी लेता था लेकिन अब सिर्फ इंटरव्यू क्लियर करवा रहा है लॉकडाउन के बाद। हम लोग में तो भाई 1 साल लॉकडाउन लग गया था, लेकिन ठीक गया अपना कॉलेज लाइफ में। प्लेसमेंट अब आते हैं भाई, प्लेसमेंट भाई प्लेसमेंट बहुत ही अच्छा मिल रहा है अभी, बहुत अच्छे अच्छे कंपनी भी आ रहे हैं, बहुत अच्छा मिल रहा है। जैसे हम लोग का था ग्रेजुएशन डिग्री, तो ग्रेजुएशन में अगर हम लोग को मिल जा रहा था भाई आराम से अराउंड 4 लाख 5 लाख तक, 3 लाख ऐसे मतलब आ रहा था, और बहुत लोगों का लगा भी है मेरे क्लास में। तो बस जब ग्रेजुएशन करके इतना लग रहा था भाई बहुत बढ़िया है, क्योंकि ग्रेजुएशन करके बाकी कॉलेज में तो जल्दी लगता भी नहीं है, इसीलिए अभी प्लेसमेंट के मामले में अभी रांची MET बहुत ही अच्छा है। देखो नया कैंपस बन रहा है तो शायद से और आएगा, क्योंकि नया कैंपस से बहुत सारा खूबी भाई अपना अनलॉक कर लिया अपना, जैसे पढ़ाई ये सब में, अब इसका भी नाम आएगा रांची में, अभी तक नहीं आता था क्योंकि कैंपस नहीं था, क्योंकि पढ़ाई तो भाई बहुत अच्छा होता है रांची MET में तो। लेकिन और मैं भाई जॉब वॉब का भरा नहीं था, क्योंकि मुझे अपना सोशल मीडिया लाइन में ही आना था शुरुआत से ही, मतलब पैसन भाई फॉलो करना था, तो इसी वजह से मैं अभी जॉब वॉब का कुछ नहीं किया हूँ। लेकिन जैसा बता रहा हूँ मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ, तो आराम से भाई पास हुआ था तो इसीलिए भाई जो पढ़ाई करते हो वही जाना है MET भी, क्योंकि बहुत पढ़ाता है हर, मतलब रूल्स टाइट है, कुछ रैगिंग वैगिंग का कोई सीन नहीं है, वो सब नहीं होता है, रूल्स टाइट है भाई पढ़ाई के मामले में, तो और टाइट है गेम्स ये सब सब कुछ है, सब बहुत सारे एक्टिविटी है भाई, बहुत सारे एक्टिविटीज़ करवाते हैं, मतलब एक्टिविटीज आप जो भी लाइन के आपका पैसा ना, जो भी लाइन में आप जाना चाहते हो वो सारे एक्टिविटी होते ही होते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं भाई, खुद के इवेंट्स होते हैं, टूर्नामेंट आपको साल में कम से कम 4-5 बार तो मिल जाएंगे, मैं स्पोर्ट्स पर्सन था इसलिए बता रहा हूँ, टूर्नामेंट्स ये सब बहुत, कॉलेज में जाना वाना, तो सोशल एक्टिविटी सोशली मामले में बहुत अच्छा है भाई MET, वो भी बहुत बढ़िया है। तो कॉलेज का भाई ओवरऑल देखा जाए तो खुद पे कंट्रोल रहे, ज़्यादा बदमाशी ये सब ना में, तो भाई बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि
जितने खूबी वाले कॉलेज होते हैं उतने डिमेरिट्स भी होते हैं, तो वही है कि आप डिस्ट्रैक्शन भी बहुत है यहाँ, हर चीज़ में बर्बाद होना है तो बर्बाद होने के लिए भी आ सकते हो, आबाद होना है तो आबाद होने के लिए भी आ सकते हो, ये दोनों के लिए। तो बस अभी कॉलेज का तो बताते हो, ओवरऑल बहुत बढ़िया है, जो भी एडमिशन लेना चाहते हो अभी भी भर सकते हो, अगस्त तक भी होगा, कोई ऐसा इशू नहीं है, होता सबका है। तो पैसे भाई, पैसे लगाओगे, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, पैसे लगाओगे तो होगा ही होगा। तो बस और बता दूँ, बहुत लोगों का क्वेरी आया है भाई मुझे इसको इसके ऊपर लेकर, क्या बोलता हूँ उसको, हॉस्टल, हॉस्टल मिलेगा क्या नहीं, हॉस्टल कहाँ मिलेगा। तो अभी न्यू कैंपस में भाई जो भी नया आ रहा है उन लोग का तो न्यू कैंपस में शिफ्ट कर रहा है, पुराने वालों को नहीं मालूम, जो अभी नया बैच आएंगे उन लोग को न्यू कैंपस में ही पढ़ाया जाएगा। तो हॉस्टल वहाँ का सीन रहेगा ऐसा कि वहाँ भी हॉस्टल तैयार नहीं हुआ है, मैं देखा हूँ तो तैयार नहीं हुआ है, तो वहाँ सबको लगता है कम ही हॉस्टल मिलेगा, मतलब नहीं मिलेगा शायद से, कि हॉस्टल जो भी बाहर से आ रहे हो आपको लगता है वो खुद ही अलॉट करेगा कहीं पर, या फिर बस चला सकता है, बस का भी कोई पता नहीं है भाई, बस तो आज तक मिट्टी चलाया नहीं है। तो बस हॉस्टल का मुझे आइडिया नहीं है, खुद से रहो, लॉज में रहो, चार दोस्त लोग रहो, कोई ऐसा इशू नहीं है, वो ज़्यादा बढ़िया रह जाता है अमेठी का हॉस्टल लेने से अभी, क्योंकि प्रॉपर हॉस्टल है नहीं। तो बस और भाई कैंपस बना रहा है, बहुत बढ़िया बना रहा है, अभी तो आधा ही कम्प्लीट हुआ था, आपका विधानसभा के पास बना रहा है, ज़्यादा दूर भी नहीं है रांची में, वैसा ही एरिया में बनाया जाता है मेनली, बड़ा बड़ा कॉलेज तो बढ़िया इलाका है वो। तो बस तो भाई पढ़ाई और प्लेसमेंट के लिए अगर चूज़ करना चाहते हो स्पोर्ट्स के लिए, MET अभी बेस्ट है रांची में, तो भाई हम बेस्ट कहेंगे उसको, स्टैंडर्ड के भी मामले में बेस्ट है और ऐसे भी बेस्ट है, लेकिन सिर्फ स्टैंडर्ड के लिए कभी कॉलेज मत आना, क्योंकि वो स्टैंडर्ड बस 3 साल तक ही रह जाता है, बाकी तो समझदार हो भाई आप लोग खुद ही। तो बस और एक बात बतानी थी कि मैं कॉलेज ब्लॉग्स नहीं बताता हूँ, तो बस जिसको कमेंट अभी भी क्वेरी है तो कुछ कमेंट, मतलब कमेंट कर दो, मैं बता दूंगा। और कैंपस अगर देखना है तो भाई कैंपस में मेरा पुराना वीडियो जरूर देखो, उसमें फुल कैंपस हम पूरा रिव्यू कर दिए हैं बढ़िया से एकदम, तो बस देखो जाके। और मैं कॉलेज ब्लॉग नहीं बनाता हूँ, कॉलेज ब्लॉग एक मेरा दोस्त बनाता है अक्षत श्रीवास्तव ब्लॉग्स, तो भाई उसका मतलब उसका जब हम लोग थे कॉलेज में तभी से वो शुरू किया था, तो हम लोग का भी 1 साल का उस पर दिखाएगा, तो बस उसका ID में जाके देखो, उसका ID में दिख जाएगा कॉलेज ब्लॉग, मतलब कॉलेज लाइफ कितना मस्ती वाला लाइफ होता है, कॉलेज लाइफ बहुत कुछ सिखाता है, तो बस देखो उसका भी ब्लॉग मस्ती से, मस्ती वीडियो पर पूरा उस पर भी, तो बस उसको भी सब्सक्राइब कर दो भाई, अपने को भी सब्सक्राइब कर दो, सपोर्ट करते रहो। चलो कॉलेज ब्लॉग उस पर, मैं कॉलेज ब्लॉग नहीं बनाता हूँ, चलो बाय बाय, बस ये बना दिया क्योंकि बहुत लोगों का क्वेरीज आ रहा था इस वजह से, चलो बाय बाय, सपोर्ट करते रहो SP लाइफ को।